हेलो फ्रेंड, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कुमार मित्तल बुक से सेकंड भाग के न्यूमेरिकल। कुमार मित्तल बुक से सेकंड भाग के न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, प्रश्न पहला, कांच के 4 सेंटीमीटर कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अपवर्त कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, अपवर्तनांक 1.5। तो इसे हम समझेंगे चित्र के अनुसार। ये कह रहा है पहले कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, ये आपका एक ठोस गोला है, इसका यहाँ केंद्र है। जो ये व्यास दे रहा है गोले का वो कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। ये व्यास दे रहा है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पृष्ठ से इसके भीतर ये मान लो 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इसका क्या है, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक व्यास, ये इसका केंद्र है। तो ये मान लो यहाँ पर इससे इस पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर पर स्थित है, यहाँ पर बिंदु O पर। तो जो ये 1.2 सेंटीमीटर होगा इस पृष्ठ से इधर की जो दूरी है, ये वस्तु का कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा, वस्तु का। तो U का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 1.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, उभी का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दे रहा है 1.5। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 15/10, 5 3 15, 5 2 10 यानी 3/2। लेकिन जो प्रतिम बनेगा जब किरणें कांच से बाय में जाएंगी तब ये प्रतिम बनता है, तो ये जीएनए का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 2/3। अब गोली अपतन के लिए सूत्र होता है n अपॉन ओवी माइनस के 1 अपॉन यू बराबर n माइनस के 1/r, n माइनस 1/r। n का मान कितना है, जी एन ए यानी कांच के सापेक्ष गोली वायु का अपतनांक, n का मान है 2/3, ओवी नीचे आएगा माइनस के 1/u, u का मान कितना दे रहा है 1.2,
बराबर एन का मान कितना दे रहा है, 2/3 माइनस के वन। आर का मान कितना है, आर का मान हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लेकिन दाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, धन की, और जो बाएं तरफ की दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋण की। तो यहाँ से इधर हम ले रहे हैं, इस प्रश्न से इधर की जो त्रिज्या ले रहे हैं तो किस में होगी, प्लस में होगी। तो यहाँ आर का जो मान आएगा वो आएगा 2, तो 2/3 वी पॉइंट हटाओगे 0 आएगा ऊपर, 10/12 बराबर इसके नीचे एक मानोगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 का आएंगे नीचे, 3 × 2 एक दूनी 2, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 2/3 माइनस के 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 बराबर 3 में से 2 घटाएंगे माइनस के 1, 3 × 2 = 6, 2/3 वी इक्वल टू 5/6। इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 5/6 माइनस 1/6 माइनस के 1/6, 2/3 वी बराबर 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 वी बराबर 2/3, 2 से 2 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, यहाँ बचेगा 1/OB बराबर 1/1, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1/OB बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी इस प्रश्न से कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर लो ये, दूसरा क्वेश्चन है, कांच n बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से ब्रैकेट में दे रहा है व्यास के अनुदिश देखने पर, देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, समझो इसे,
पहले की तरीका सही है सेम। 4 सेंटीमीटर व्यास का गोला पहले था, अब भी व्यास का गोला 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ पर ये दे रहा था पहले फर्स्ट सवाल में 1.2 सेंटीमीटर यू का मान, अब इसमें दे रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। जो बुलबुले का जो प्रतिम्ब है वो यहाँ से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि बुलबुला कहाँ पर रखा है, यानी यू का मान पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, तो यू बराबर पूछा है इसमें, वो भी बराबर दे रहा है 1 सेंटीमीटर प्रतिम्ब की स्थिति दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक दे रहा है ANG बराबर 1.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की आधी 2 सेंटीमीटर, लेकिन ANG का मान दे रहा है, हमें निकालना क्या है GNA, ANG बराबर दे रहा है 1.5, पॉइंट उठाओगे जीरो लगाओगे 5 या 15, 5 × 10 3/2, GNA हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि जब किरणें कांच से बाहर में जाती हैं तभी प्रतिम्ब दिखाई देता है। सूत्र लगाओगे N/OB (U)(N)(R), N का मान कितना दे रहा है 2/3, 2/3 OB का मान कितना दे रहा है 1, 1/U का मान ज्ञात करना है, N का मान दे रहा है 2/3 (1)R, आर का मान कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर, 2/3 × 3 (1)U), इसके नीचे एक मान हो गया क्रॉस एलसीएम का जाएगा 3 का आएंगे नीचे 3 × 2, 1 × 2 = 3, 2/3 (1)U) 3 × 2 कटाएंगे माइनस के 1, 3 × 2 = 6, और ये 1/U इधर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर ले जाओगे पद किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस के 1/U इधर ले जाओगे 1/U प्लस का हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 6, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, 6 × 6 1 × 1 = 1, 1/U 4 × 1 = 5, 5/6 बराबर 1/U, क्रॉस गुणा करोगे यू हो जाएगा 5U बराबर 6 × 6, यू बराबर हो जाएगा 6/5, 5 का इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर, यह वास्तविक स्थिति यू का मान कर लो। तीसरा सवाल है आपका, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच n बराबर दे रहा है 1.5 की बेलनाकार छड़के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है, इस सिरे के बाईं ओर, वाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
दूरी पर स्थित वस्तु ओ के प्रतिबिंब, ओ के प्रतिबिंब आई की दूरी, आई की दूरी यानी उभी ज्ञात कीजिए। उभी ज्ञात कीजिए, उभी का मान इसमें पूछ रहा है, चित्र दे रहा है इसमें। ये कटा हुआ भाग है बेलनाकार, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है, इधर कांच भरा हुआ है। इधर कांच है और इधर है बाई, ये दूरी दे रहा है। यू का मान 12 सेंटीमीटर, ओवी का मान ज्ञात करना है, ओवी का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करेंगे इसे। पहले ये दे रहा है एन का मान, दे रहा है बाय के सापेक्ष कांच का आपतनांक है, यानी AnG बराबर 1.5। पॉइंट उठाओगे, जीरो लगाओगे, ये हो जाएगा आपका 15/10, 5 3 15, 5 2 10, यानी 3/2। लेकिन जब प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो किरण किस में से जानी चाहिए, कांच में से बाय में, तो GNA कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3। यू का मान यहाँ से जब इधर की दूरी है, यू इधर है, तो ये यू किस में लेंगे, बाई तरफ की दूरी है, तो यू का मान जो होगा वो माइनस में आएगा। यू बराबर दे रहा है माइनस के 12 सेंटीमीटर, और ओवी का मान इसमें पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है। त्रिज्या कितनी दे रहा है गोली की, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या इधर होगी, क्योंकि ये वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हम त्रिज्या लेंगे, तो ये किधर होगी, बाई की तरफ होगी, बाई तरफ होगी, तो ये आर का जो मान होगा वो किधर होगा, कितना होगा, माइनस के 2 सेंटीमीटर, माइनस के 2 सेंटीमीटर। सूत्र लगाओ, एन अपॉन ओवी माइनस के 1/u बराबर एन माइनस के 1/r, एन माइनस के 1/r, एन अपॉन ओवी माइनस 1/u बराबर एन माइनस के 1/r। एन का मान कितना दे रहा है, GNA दे रहा है 2/3, यहाँ आएगा आपका 2/3 इंटू ओवी माइनस के 1/u, यू का मान कितना दे रहा है, माइनस के 12। एन का मान दे रहा है 2/3 माइनस के 1, आर का मान कितना दे रहा है, माइनस के 2, ये हो जाएगा 2/3 ओवी माइनस माइनस प्लस 1/12 बराबर, इसके नीचे एक मान होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 3 कहाँ आएगा नीचे, तो 3 2 6, 2 3 1 3, 2/3 ओवी प्लस के 1/12 बराबर, 3 में से 2 हटाओगे माइनस के 1, ये कितना है माइनस के 6, माइनस से माइनस काट दोगे, 2/3 ओवी बराबर 1/6, ये प्लस का है, ये 1/12 है, धले जाओ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1/12, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ओवी बराबर, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, 6 2 12 और 12 1 12, 2/3 ओवी बराबर 3 में 2 में से जाएगा 1 1/12, 3 4 12, 2/3 ओवी बराबर 1/4, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से, तो ओवी बराबर आएगा 4 2 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। और किधर बनेगा, ये दाईं ओर, दाईं ओर। चौथा सवाल है आपका,
चौथा सवाल दे रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं, गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी? केंद्रित होंगी। किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो जो गोला दिया है वो कितने व्यास का है? 12 सेंटीमीटर व्यास का। तो ये गोला है इस तरीके से, जिसका व्यास कितना दे रहा है, ये 12 सेंटीमीटर इस तरीके से दिखा देंगे नीचे। ये जो व्यास दे रहा है गोले का, वो दे रहा है आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं इस तरीके से, ये किरणें इस तरीके से जा रही हैं समांतर, इस तरीके से ये समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से यानी जब यहाँ से एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ ये दे रहा है, अंतिम रूप से यानी दूसरे पृष्ठ से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, कहाँ पर ये मिलेंगी, यानी उभी का मान पूछ रहा है। जब किरणें अनंत से आएंगी तो यू का जो मान होगा वो कितना होगा, समांतर आएंगी तो यू का जो मान होगा वो कितना होगा, अनंत। यानी किरणें कहाँ से आएंगी, अनंत से। जो यू का मान दे रहा है वो दे रहा है अनंत, उभी का मान पूछ रहा है। जब गोला कितने व्यास का है, 12 सेंटीमीटर, तो इस पृष्ठ से जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, त्रिज्या जो आर का मान होगा इस पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या होगी वो किस में लेंगे, प्लस में, 12 का आधा 6, प्लस के 6 सेंटीमीटर। तो पहले पृष्ठ के लिए जो उभी का मान होगा, अपवर्तनांक कितना दे रहा है, ANG बराबर दे रहा है 1.5, लेकिन इसके नीचे एक मानेंगे 0, 5 या 15, 5 × 2 = 10, यानी 3/2, 3/2। ये जा रही है किरणें 22 से कांच में जब जाएंगी तो ANG बराबर दे रहा है 3/2। सूत्र लगाओगे N/UV - K/1U बराबर N - K/1R। पहले पृष्ठ के लिए N का मान दे रहा है 3/2, उभी माइनस के 1/U, U का मान कितना दे रहा है अनंत, N का मान कितना है 3/2 माइनस के 1 माइनस के 1 बट्टे R, R का मान कितना है 6, इसके नीचे एक मानेंगे ये हो जाएगा 3/2V बराबर 2 LCM हो जाएगा, ये नीचे आएगा 6 × 2 = 12, 1 × 3 = 3, 2 × 1 = 2, 3/2V बराबर 1/12, 2 × 6 = 12,
तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन ओ बी बराबर एक बट्टे छः। क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से तो ओ बी बराबर आएगा 18 सेंटीमीटर। तो जो ये किरण जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, गोले से, इस पृष्ठ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये थोड़ा कर लो, ये पहले प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ से पहले पृष्ठ के लिए कितना बनेगा 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरीका से ये किरण यहाँ पर आएगी। हो गया था ना, ठीक है। जब ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तो अब ये गोला है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर हम कितना बढ़ाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये है आपका आई डैश। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है 6 सेंटीमीटर पर, लेकिन जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए अंतिम रूप से जब प्रतिबिंब पूछ रहा है, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, यानी अंतिम दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ बनेगा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए जो U का मान होगा वो कितना होगा, U बराबर इधर है दूरी 6 सेंटीमीटर प्लस के OV का मान पूछ रहा है इसमें। अब किरण किसमें से जाएगी, कांच से बाय में जाएगी, तो GNA बराबर कितना हो जाएगा, दो बट्टे तीन। R का मान कितना होगा, R यहाँ से लेंगे इस प्रश्न से, किधर लेंगे, इधर बाई ओर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मान इसके 6 सेंटीमीटर। सूत्र लगाओगे N अपॉन OV मान इसके 1 अपॉन U बराबर N मान इसके 1 बट्टे R। N का मान कितना दे रहा है 2 बट्टे 3, OV मान इसके 1 अपॉन U, U का मान कितना दे रहा है 6, N का मान कितना है 2 बट्टे 3 मान इसके 1, R का मान दे रहा है मान इसके 6, 2 बट्टे 3 हुई मान इसके 1/6 बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 कहाँ आएगा नीचे, 3 6 18, 1 2 2 3 1 3 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे 3 हुई मान इसके 1/6 बराबर 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा मान इसके 1, तो मान इसके 1 अपॉन मान इसके 18, मान इसके काट दोगे तो ये बचेगा आपका 2 बट्टे 3 हुई बराबर 1/6, इधर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का, 1/6 प्लस के 1/18, 2 बट्टे 3 हुई बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 6 3 18 प्लस के 18 1 18, 2 बट्टे 3 भी बराबर 3 और 1 4, 4 बट्टे 18, 3 6 18, 2 2 4, ये हो जाएगा 1 बट्टे ओ भी बराबर 2 1 2 2 3 6, यानी 1 बट्टे 3। क्रॉस गुणा करेंगे तो ओ भी बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे पृष्ठ से कितना बनेगा 3 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी रहा है 6, तो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा आधी दूरी पर यहाँ बनेगा ये, तो दूसरे पृष्ठ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी बनेगा 6 सेंटीमीटर। कर लो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा सवाल, पांचवा सवाल देखो। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक बन पॉइंट फाइव है,
इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझ लो। ये कह रहा है समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है। F बराबर जब उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस किसमें लेंगे, प्लस में, प्लस के 20 सेंटीमीटर। उसके पदार्थ का अपतनांक n बराबर दे रहा है 1.5। लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पृष्ठ की ज्ञात करवा रहा है वक्रता त्रिज्या, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह होगी अनंत, क्योंकि लेंस कैसा है, समतल है। समतल लेंस है तो ये किरणें जो होंगी वो कहाँ पर जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। किरणें अनंत तक जाएंगी तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, अनंत। दूसरे पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो ज्ञात करनी है। दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 बराबर हम लेंगे मानस के R, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है, त्रिज्या किधर होगी, बाईं तरफ होगी। तो ये मान ली हमने R2 बराबर मानस के R। सूत्र लगाओ, 1/F बराबर एन मानस के 1/R1 मानस के 1/R2। 1/F, F का मान कितना दे रहा है 20, N का मान कितना दे रहा है 1.5 मानस के 1, 1/R1, R1 का मान कितना दे रहा है अनंत। ये माइनस और ये वाली माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की, 1/R2, R2 का मान कितना है R। 1/20 बराबर 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 बचेगा, अनंत का इसमें भाग देंगे 0, प्लस के 1/R। 1/20 बराबर 0.5 इंटू 1/R, पॉइंट उठाएंगे कितना आएगा 10, 5 × 2 = 10। ये हो जाएगा आपका 1/20 बराबर, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा 2R, 2R, 2 × 20। 1/10 बराबर 1/R क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। किसी द्व्युत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है, किसी द्व्युत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है समान है लेंस के पदार्थ का अपतनांक दे रहा है 1.5 है। यदि लेंस की
फोकस दूरी, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ लो कौन सा लेंस है? द्वि-उत्तल, उत्तल लेंस दे रहा है ये, वक्रता त्रिज्याएं दे रहा है समान। द्वि-उत्तल लेंस है इस तरीका से, जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसी है हमारी? समान है। ये है आर वन बराबर आर, लेकर किसकी लेंगे? प्लस की, प्लस की लेंगे। और ये आर टू लेंगे, इधर इसका केंद्र इधर होगा, तो ये आर टू बराबर होगी मान इसके आर। एन का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है? 1.5। फोकस दूरी एफ बराबर दे रहा है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में होगी। फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर एन माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस के 1/r2। 1/f, f का मान कितना दे रहा है? 30। n का मान कितना दे रहा है? 1.5 माइनस के 1। 1/r1 का मान कितना है? r। ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी? प्लस की, 1/r। 1/30 बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 0.5। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2/ कितना हो जाएगा? आर। 2/r, ये पॉइंट उठाओगे 0, इस 0 से ये 0 काट सकते हैं। 1/3 बराबर 5 × 10, 10/r क्रॉस गुणा करोगे, r बराबर 10 × 30 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएंगी? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां सवाल देखो। सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है, एक उत्तल लेंस के, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या, लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक 1.5 है। नंबर एक में पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है इसमें, यदि लेंस को चित्रानुसार AB तल के अनुदिश काट दिया जाए, तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो नए बने प्रत्येक
लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट पूछ रहा है इसमें, यदि लेंस को सीडी के अनुदिश काट दिया जाए, यदि लेंस को सीडी के अनुदिश, यदि लेंस को सीडी के अनुदिश काट दिया जाए तब इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र दे रहा है इसमें, ये दे रहा है ए पॉइंट, ये दे रहा है बी पॉइंट, उसके बाद में ये दे रहा है सी पॉइंट और ये दे रहा है डी पॉइंट। ये आपका चित्र है, समझ लो सवाल। पहले हम यहाँ चित्र बनाते हैं समझने के लिए। ये दे रहा है आपका ए पॉइंट, ये दे रहा है बी पॉइंट, ये दे रहा है सी पॉइंट और ये दे रहा है डी पॉइंट। ये पहला वक्र पृष्ठ है और ये दूसरा वक्र पृष्ठ है। तो ये दे रहा है उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। इस वाले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या होगी वह होगी आर वन बराबर प्लस के 20 सेंटीमीटर और दूसरे वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो किसकी होगी, माइनस की, क्योंकि ये बाई तरफ की दूरी हो जाएगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दे रहा है, कांच का आपतनांक दे रहा है एन बराबर 1.5। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सूत्र लगाओगे 1/f बराबर पहला पॉइंट है n माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस के 1/r2। 1/f बराबर n का मान कितना है 1.5 माइनस के 1। 1/r1 का मान कितना है 20। ये माइनस 1/r2 का मान कितना है माइनस के 20। 1/f बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 इंटू 1/20 माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 1/20। 1/f बराबर 0.5 इंटू 1 और 1 2 2/20 पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगाओगे 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 2 × 5 = 10 20 दहाई 200 जीरो से जीरो काट दोगे 1/f बराबर आएगा 1/20 क्रॉस गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपका f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट दे रहा है यदि लेंस को चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, इस तरीका से काट दिया जाए तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब इस तरीका से ए बी के अनुदिश काट दिया जाएगा, जब लेंस को ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तब जो R1 का मान होगा वह कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, किसका है प्लस का 20 सेंटीमीटर, और जो R2 का मान हो जाएगा वह हो जाएगा अनंत, क्योंकि इस तरीके से ये काट देंगे तो ये कौन सा लेंस बनेगा समतल, और समतल की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है अनंत। n का जो मान होगा वही रहेगा, n का मान कितना रहेगा 1.5, और ये फोकस दूरी याद कर लो 1/f बराबर n माइनस के 1 1/r1 माइनस के 1/r2 1/f बराबर n का मान कितना है 1.5 माइनस के 1 1/r1 का मान कितना है 20 माइनस अनंत का मान, यहाँ r2 का मान अनंत है,
एक बट्टे एफ बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 0.5, यहाँ आएगा एक बट्टे 20.88 कितना आएगा 0, एक बट्टे एफ बराबर 5 × 20, एक बट्टे 10 × 40 क्रॉस गुणा करेंगे एफ बराबर आएगा ये 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी आएगी दूसरे पॉइंट की 40 सेंटीमीटर। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, जब लेंस को यदि लेंस को सीडी के अनुसार काट दिया जाए, इस तरीका से काट दिया जाए तो लेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा, आधा भाग ऊपर हो जाएगा आधा भाग नीचे। लेकिन जो लेंस की त्रिज्याएं होंगी, वक्रता त्रिज्याएं होंगी, वो कैसी होंगी, जो पहले प्रश्न के लिए जो पहले पॉइंट के लिए त्रिज्याएं थी वही त्रिज्याएं रहेंगी और इसका कांच का जो अवतरणांक रहेगा वही रहेगा। लेकिन जो यहां से जो किरणें जाएंगी वो केवल कितने भाग में जाएंगी, आधे भाग में जाएंगी। तो जो प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ये जो किरणें होंगी वो कितने लेंस में जाएंगी, आधे में लेंस में जाएंगी, आधे लेंस से होकर जाएंगी। तो ये प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन फोकस दूरी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ लिख सकते हो जब लेंस को सीडी के अनुदिश काट दिया जाए, सीडी के अनुदिश काट दिया जाए तो फोकस दूरी उतनी ही रहेगी, तो फोकस दूरी उतनी ही रहेगी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऐसे लिख दो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। सात सवाल हो गया आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। आठवां सवाल दे रहा है, कांच n बराबर 1.5, कांच का आपको दे रहा है 1.5 के उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यह लेंस 6 सेमी दूरी पर, 6 सेमी दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु, 6 सेमी दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को, तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं
त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, समझ लो इसे। ये दे रहा है इसमें एन का मान दे रहा है 1.5, एन का मान दे रहा है 1.5 और उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है 1:2। यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। ये उभयोत्तल लेंस है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये कोई तंतु रखा है, कोई तंतु रखा है जिससे किरणें, प्रकाश किरणें निकल रही हैं। कितनी दूरी पर है ये? 6 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है, ये लेंस कैसा कर देता है उन किरणों को समांतर, इस तरीका से ये किरणें कर देता है। तो ये जो होगा वो फोकस का काम करेगा, फोकस से इसकी जो दूरी होती है वो कैसे होती है, फोकस दूरी। लेकिन ये जब यहाँ रखा है, ये तंतु यहाँ रखा है, तो ये यू का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा, इधर ये दूरी होगी वो किधर होगी, बाई की तरफ की दूरी है, कितनी हो जाएगी, मान इसके 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये फोकस पूछ कह रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये फोकस दूरी दे रहा है वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटी उत्तल लेंस है, फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। एन का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 1.5, वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है 1:2। ये जो त्रिज्या होगी वो प्लस में होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी, ये वाली माइनस में होगी और ये वाली जो त्रिज्या आएगी वो किस में होगी, प्लस में होगी। तो अनुपात दे रहा है R1/R2 = 1/2। क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से, तो जो आर टू बराबर आएगा वो कितना आएगा, 2R1। फॉर्मूला लगाओ, 1/F बराबर एन माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2। 1/F, F का मान कितना दे रहा है 6, n का मान दे रहा है 1.5 माइनस के 1/R1 माइनस R2 का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है 2R1। लेकिन जो R2 है वो किसका है, माइनस का, त्रिज्या किसकी होगी इसमें, माइनस की। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये 2R1 जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का। R2 के स्थान पर क्या लगाओगे, 2R1, लेकिन किसका लगाओगे, माइनस का। 1/6 बराबर 0.5 1/R1 माइनस और माइनस प्लस 1/2R1। 1/6 बराबर 0.5 एलसीएम हो जाएगा इसका, 2R1 यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, पॉइंट हटाओगे 0। 1/6 बराबर 5×5 5×2 10, 1/2 ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2R1। 1 2 3 6, 1/3 बराबर 3/2R1। 2R1 क्रॉस गुणा कर देंगे इस तरीका से, तो ये हो जाएगा 2R1 बराबर 3×9, 2 से ये काट दोगे तो R1 बराबर आएगा 4.5 सेंटीमीटर। R1 का मान ये है, R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान दे रहा है 2R1, 2R1, तो R2 का मान हो जाएगा आपका 2, R1 का मान है 4.5, R2 का मान हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर। यही आंसर है। कर लो ये। नौवां क्वेश्चन करें। नवा क्वेश्चन है आपका,
एक पतले समतल उत्तल लेंस के, एक पतले समतल उत्तल, समतल उत्तल लेंस के, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, बीस सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का पतनांक, अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। एक लेंस की फोकस दूरी, पहला पॉइंट पूछ रहा है इसमें, एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए, तथा किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख बनाइए। तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है ये प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। समझ लो सवाल, बड़ा सवाल है थोड़ा। देखो, एक पतले समतल उत्तल, समतल उत्तल ये है आपका समतल और ये है आपका उत्तल। समतल उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी ये समतल है तो ये R1 जो होगा वो कितना होगा अनंत, और ये उत्तल का R2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। R2 बराबर दे रहा है माइनस के 20 सेंटीमीटर। पदार्थ का अपतनांक n बराबर दे रहा है 1.5, n बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है आपका 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, 1/f बराबर पहला पॉइंट, 1/f बराबर n माइनस के 1 ब्रैकेट में आएगा 1/R1 माइनस के 1/R2। 1/f बराबर n का मान कितना है 1.5, 1/R1 R1 का मान कितना है अनंत माइनस R2 का मान कितना है माइनस के 20। 1/f बराबर 1.5 ये माइनस का 1 है, ठीक है। तो 1.5 में से 1 कटाओगे तो ये 0.5 अनंत का इसमें भाग देंगे 0 माइनस माइनस प्लस के 1/20। पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। 1/f बराबर 5 × 10 1/2 × 1/20। 1/f बराबर 20 × 40 क्रॉस गुणा कर देंगे तो
एफ बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आएगी पहले पॉइंट की 40 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। यहाँ से इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई प्रतिबिंब रखी है 80 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा यू का मान दे रहा है मान इसके 80 सेंटीमीटर बाईं तरफ रखी है, बाईं तरफ रखी होगी बस तो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। 80 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए यानी ओवी का मान इसमें पूछ रहा है। एफ का मान कितना दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो सूत्र लगाओगे 1/f = 1/ov लेंस का सूत्र होता है 1/ov मान इसके 1/u 1/f एफ का मान कितना दे रहा है 40, 1/ov का मान पूछ रहा है मान इसके 1/u, u का मान कितना लगाओगे मान इसके 80, 1/40 बराबर 1/ov माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/80, 1/80 इधर लाओगे किसका हो जाएगा ये माइनस का बराबर 1/ov, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 80, 40 दूनी 80, 80 एक अन 80, 1/ov दो में से एक घटाओ कितना बचेगा एक, 1/80 बराबर 1/ov क्रॉस गुणा कर दोगे इस तरीका से तो ये हो जाएगा ओवी बराबर 80 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। किरणा आरेख भी बताइए, तो किरणा अभी बाद में लास्ट में कर देंगे या चलो कर लो इसे। किरणा आरेख यहाँ इस तरीका से बनाओगे, समतल उत्तल लेंस है ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, तो यहाँ पर ये पिन रखी हुई है आई आई डैश आई और आई डैश कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से जब इस तरीका से किरण जाएगी तो यहाँ से जाके अपने के पश्चात ये कैसे हो जाएगी द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है, उसके बाद में जो दूसरी किरण जाएगी यहाँ प्रकाशक केंद्र से होती हुई वो सीधी चली जाती है, सीधी चली जाती है जहाँ ये दोनों किरणें कट रही हैं यहाँ पर ये बनेगा प्रतिबिंब, ये आपकी ओ डैश वस्तु है और यहाँ ये बन जाएगा आई आई डैश प्रतिबिंब। यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु भी 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्रतिबिंब कितना बनना है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका फिगर होगा किरण आरेख है। तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट है आवर्धन एम बराबर सूत्र होता है ओवी अपॉन यू, ओवी का मान कितना दे रहा है 80 सेंटीमीटर प्लस का है क्योंकि दाईं तरफ बनेगा, यू का मान कितना दे रहा है यू का मान भी दे रहा है 80 सेंटीमीटर, यू का मान कितना दे रहा है ये 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर दे रहा है लेकिन बाईं तरफ वस्तु रखी है इस तरफ, तो ये मान इसके 80 हो जाएगा, 80 से 80 काट दोगे तो m बराबर हो जाएगा मान इसके 1, यही फॉर्मूला है सूत्र है वो आपका आंसर है।